उत्तर प्रदेश के बहराइच में 1 फरवरी को फकरपुर विकास खंड के गांव रामापुर केदोली के ग्राम प्रधान निरंकार शुक्ला की विद्युतीय करंट लगने से मौत हो गई। ग्राम प्रधान के घर वालों का आरोप है कि मृत ग्राम प्रधान को करंट गांव में बन रही पानी की टंकी के निर्माण में लगे कर्मियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। जैसा कि उनके घर वाले और ग्रामीणों ने बताया कि टंकी निर्माण कर्मी विद्युत विभाग को बिना सूचना दिए रस्सी से निर्माण संबंधी सामानों को चरखी से खींच रहे थे और उस दिन चरखी को और ऊपर बांध दिया और सामान पहुंचाने के लिए चरखी खींचने लगे। चरखी खींचते वक्त हाथ कर्मियों के हाथ से रस्सा छूट गया और वहां पर गुजरी हाई टेंशन लाइट से जाकर लपेट में आ गया और तीनों लाइनों के मिल जाने से जबरदस्त विद्युतीय करंट पूरे गांव में फैल गया। उसी वक्त ग्राम प्रधान अपना मोबाइल चार्ज करने लगे, किसी से बात कर रहे थे। करंट ग्राम प्रधान को भी लगा और हॉस्पिटल ले जाने पर जिला अस्पताल बहराइच के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भावेश में उनके घर वाले हॉस्पिटल से मृत शरीर को घर ले आए। बाद में पुलिस कार्रवाई के बाद ग्राम प्रधान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, बीते 1 तारीख को विद्युतीय लापरवाही व जल निगम की लापरवाही के द्वारा एक ग्राम प्रधान की मौत हो गई थी। रामापुर केनौली का मामला है, क्या है पूरा मामला? रामापुर केनौली में जल निगम की पानी टंकी कुछ काम चल रहा था, उन्हीं के लेबरों की लापरवाही से रस्सा टूटने की वजह शॉर्ट सर्किट हुआ और उस ग्राम प्रधान को करंट लग गया, जिसको बाद में मृत्यु हो गई। इस संबंध में विभाग द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पर थाने में दिया गया है, उन पर FIR हो गई है और विद्युत सुरक्षा निदेशालय जांच के लिए भेज दिया गया है और जो नियमानुसार विभागीय नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चूंकि इस ग्राम प्रधान की मृत्यु के सापेक्ष में विद्युत विभाग की भी लापरवाही उजागर हुई है, इस संबंध में कार्रवाई के लिए क्या प्रयास किए गए आपकी तरफ से? हमारी तरफ उनके द्वारा कोई लेटर नहीं दिया गया, फिर भी हम संज्ञान लेते हैं और जो कार्रवाई जो नियमानुसार कार्रवाई हम कर देंगे, जो लाइन की समस्या है वो सब सही करा दी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है। चूंकि विद्युतीय करंट के द्वारा ग्राम प्रधान की मृत्यु हुई है, तो क्या विद्युत विभाग के सापेक्ष कोई धनराशि या कोई मुआवजा स्वरूप उनको राशि? विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जांच इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आएंगे, उनकी जाँच के उपरांत जो आएगा उसमें धनराशि। सर, सुनने में आ रहा है कि काफी घरों पे जो है इस करंट की वजह से जो है विद्युतीय उपकरण का भी नुकसान हुआ है। हाँ, सूचना मिली है, उस संबंध में भी जांच होगी, उस जिसका जो होगा मुआवजा वो विद्युत सूचना से जांच होगी।